नमस्कार। रामराजी इंटर कॉलेज नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, अंबेडकर नगर के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं रिंकू यादव। आज इस वीडियो में पढ़ाऊंगा क्लास सेवन्थ का मैथ। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.5 का दो पार्ट हमने, यानी दो वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप रामराजी इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल से आप जा करके वो वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो नंबर 3 है एक्सरसाइज 6.5 का। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इस वीडियो का क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में Q 25 सेंटीमीटर तथा कोण R बराबर 65 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या है, कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, आपको ये देखना है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज PQR में, ठीक है, कोण क्या है? आप जानते हो त्रिभुज का, हमने पहले ही बताया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, तीनों कोणों का योग होता है कितना, 180 अंश। ये आप पहले से ही जानते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए अब पहले देखते हैं त्रिभुज PQR। ठीक है, देखिए पहला क्या है, PQ स्क्वायर कितना है? आप देखोगे PQ स्क्वायर 25 अंश, क्यों 25 अंश दिया, तो 25 प्लस और QR कितना दिया, R दिया है 65 अंश। ठीक है, तो हमको P नहीं मालूम है, तो P निकल आएगा, ठीक है, बराबर 180 अंश। ठीक है, उसके बाद एक और त्रिभुज है जिसका नाम है P, ठीक है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो RPQ = 180 अंश माइनस 90 बराबर हो जाएगा त्रिभुज RPQ = हो जाएगा 90 अंश। ये कितना हो गया, 90 अंश, अर्थात ये कोण कितना है, 90 अंश। आप कह सकते हो कितना है, 90 अंश। ठीक है, अतः त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें पी क्या है, पी ये क्या है, समकोण है। ठीक है, अब आप निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से, इसको मैं बताता हूँ, आप नोट करते रहना। ठीक है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमने पहले ही बताया है, क्या बताया है, कर्ण का वर्ग यानी का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी आ का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी ला का वर्ग, ये हमने बताया है। ठीक है, QR हमें दिया ही है, QR कितना दिया है, तो यदि हम इस गुण से देखें तो QR यानी कर्ण हो गया बराबर, ठीक है, PR यानी आधार हो गया, ये कितना, PR आधार हो गया प्लस लंब QP लंब हो गया, QP स्क्वायर ये क्या हो गया, लंब हो गया, अर्थात विकल्प जो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ऐसे मिला लो तो ऑप्शन देखोगे आप, दो नंबर क्या है, सही है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर, लंबाई कितना है 40 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना है 40 सेंटीमीटर और विकर्ण 41 सेंटीमीटर, ये विकर्ण दिया है 41 सेंटीमीटर, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, विकर्ण दिया है, ये दिया, आप ये यक्ष दिया है, तो सबसे पहले ये जब तक हमें लंबाई या ये चौड़ाई नहीं मालूम होगी तो आप विकर्ण वो परिमाप नहीं नाप सकते। ठीक है,
यानी ये हमको एक तरह से एक त्रिभुज का बन गया, समकोण त्रिभुज बना है। इससे हम क्या लगाएंगे, इससे हम इसका एक्स का मान निकालेंगे। जब एक्स का मान निकालेंगे तो हमको आ जाएगा, चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पी क्यू आर तक त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, कर्ण का यानी पी आर क्या है, पी आर का वर्ग बराबर यहाँ से देखिए आर क्यू है, उसके बाद आर क्यू का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग, ठीक है। यहाँ देखिए क्या 41 दिया है कर्ण, यानी 41 का वर्ग बराबर और क्या पी क्यू, सॉरी हाँ पी क्यू, पी क्यू दिया है 40 का, पी क्यू, पी क्यू 40 का वर्ग, यहाँ आप लिखेंगे 40 का वर्ग प्लस, सॉरी क्यू आर यहाँ दिया है, पहले हमें लिखना है एक्स लिखना होगा, एक्स का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग यानी 40 का वर्ग। अब 41 यहाँ कितना होता है, ये 1681 हो जाएगा, बराबर एक्स का वर्ग होगा 40 चले ही हम 1600 हो जाएगा, ठीक है। जब 1600 हो जाएगा आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया था, 1681 बराबर एक्स का वर्ग प्लस 1600, ये आया था, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1681 में से 1600 निकाल देंगे तो एक्स बराबर अंडर रूट 81 आ जाएगा, एक्स बराबर आ गया 9, यहाँ जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। आप इतना लगा लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर इसको देखिए, हम इसको निकाल रहे हैं, हटा दे रहे हैं, हमें कितना मिल गया 9 मिल गया, ठीक है। यहाँ से अब आप चौड़ाई, आयत की चौड़ाई जो हो गया, आयत की जो चौड़ाई हो जाएगी आप जानते ही हो 9 हो गया, लंबाई हमको मिल ही गया है कितना 40 है। अब आयत का परिमाप जो होता है आप जानते ही हो, आयत का परिमाप का जो सूत्र है 2 (in)(2) लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है, ठीक है। तो (t)(2) ये लंबाई कितना है, लंबाई हमें 40 है प्लस चौड़ाई 9 है, ठीक है। अब 49 × 2 कितना हो जाएगा, ये 49 × 2 98 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 98 किस में आएगा, मीटर में, 98 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है एक समकोण एक समचतुर्भुज के विकर्ण की 16 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से, ठीक है, परिमाप ज्ञात करना है, दिया गया विकर्ण 30 सेंटीमीटर और डीबी, दो विकर्ण है ये और ये, एक 16 एक 30 सेंटीमीटर, हम जानते हैं समद्विभाजित होते हैं, ये सही। उसके बाद ओडी क्या हो जाएगा, ओडी डी बटा, ये क्या डी बटा डी बी बटा 2 हो जाएगा, यानी 16/2 बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ 8 सेंटीमीटर। ओसी बराबर क्या हो जाएगा, AC/2 यानी 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर, ये लंबाई चौड़ाई निकल गया। अब हमें त्रिभुज से इसको मिटा रहे हैं, त्रिभुज से यहाँ बचा, ये देखिए यहाँ ये बचा, हमें ये पार्ट मान लेते हैं एक्स है, मान लेते हैं एक्स या डीबी या डीसी, ये कोई भी पार्ट आप निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज DOC में, DOC में हमें क्या निकालना, इस पार्ट को हमें एक्स मान लेते हैं निकालना, जब एक्स निकालना है तो DC स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये आ गया। अब DC स्क्वायर हमें निकालना है तो 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। अब देखिए यहाँ मैं चलता हूँ दूसरे कलर में कर दूँ, 8 × 8 = 64, DC स्क्वायर हो जाएगा, 8 × 8 = 64 और प्लस 15 ही हम 225, ठीक है। अब इसको जब आप निकालोगे 225, ये हो जाएगा 5 × 9 = 6 × 8 = 6 × 8 289 हो गया, कितना हो गया 289। अब 289 DC स्क्वायर
अब डीसी बराबर क्या हो जाएगा, डीसी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 289। जब 289 को आप एलसीएम वो निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, आ जाएगा 17। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17। ठीक है, ये आ जाएगा 17, 17 17 चार आ जाएंगे। ठीक है, तो अब समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है, इसको मैं मिटा दूं। देखिए, सब समचतुर्भुज का जो परिमाप निकलेगा वो होता है 4 × भुजा, 4 × भुजा 17, ये भी आया 17, ये भी आया है 17, ये भी आया है 17, ये भी आया। ठीक है, तो 4 × 17 17 × 68 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हो गया परिमाप। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।